सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में भी आपको हिप हॉप का अपडेट्स दूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे दिलजीत पाजी के बारे में। तो आप लोग देख सकते हो बिलबोर्ड का मैगजीन का फ्रंट पेज पे दिलजीत पाजी फीचर हुआ है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दिलजीत पाजी को। तो चलिए बात कर लेंगे हिप हॉप कॉन्टेंट क्रिएटर रोहन करियप्पा भाई के बारे में। तो भाई ने अभी एक वीडियो डाला है अपने इंस्टाग्राम पेज पे, जिस वीडियो के अंदर उन्होंने एमयूए भाई, रफ्तार भाई और कृष्णा भाई को लेकर कुछ ऐसा कहा है, आप लोग खुद ही देख लो। Seldom do you come across a statement जिससे आप agree भी करते हो, disagree भी करते हो। Interesting story है इसमें, रफ्तार, MEV और कृष्णा तीनों आएंगे। First आप ये सुनो MEV ने क्या बोला। बना के मत रखो, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो ना, चीजें मत रखो अपने तक, बना तो फेंको, सोचो मत ज्यादा, क्या पता जो छुपा के रख रहा है वही गलत तरीका तेरा लाइफ चेंज कर देगा, तो डाल देना। इस स्टेटमेंट से मैं डिसएग्री इसलिए करता हूँ बिकॉज जो बनाओ वो डालो वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसकी वजह से आप काफी सारी मीडियोक्रिटी भी एक्सपोज करते हो आउट इन द पब्लिक। बट एक हद तक मैं इससे अग्री भी करता हूँ बिकॉज रफ्तार के साथ पॉडकास्ट करते हुए मैंने एक उनके पुराने गाने के बारे में जब पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि वो गाना उन्होंने स्क्रैप कर दिया। कृष्णा एक पैनल में थे जो डिस्कस कर रहा था सोशल मीडिया एंड हाउ टू इफेक्टिवली यूज इट। एंड एक पैनलिस्ट ने कृष्णा से पूछा कि अरे सोशल मीडिया का तो रूल होता है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, हाउ हैव यू मेंटेन्ड दैट एंगेजमेंट विदाउट स्टेइंग कंसिस्टेंट। टू विच कृष्णा इंटरेस्टिंगली रिस्पॉन्डेड, इट ओनली वर्क्स until it doesn't work। इस कहानी से जो मैं conclusion derive करता हूँ वो इतना ही है कि भाई दूसरों के blueprint को to the T follow मत करो। There are thousand different ways of doing a certain thing and 100 of those thousand ways will take you to success। कोई singular way नहीं है, stay original to yourself, try different things, whatever works for you, stick to that। और इसके अलावा जो हसल शून्य तीन का contestant था विजय दादा, उनका एक track आया था टी सीरीज पे ध्यान से, उस track ने आप लोग देख सकते हो 1 million views पार कर लिया है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं विजय दादा को। सो गाइज वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके वीडियो के नीचे कॉमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों का एक एक लाइक चैनल पे रीच वापस ला सकता है, क्योंकि अचानक से बहुत ही ज्यादा रीच गिर गया। तो इस वीडियो में इतने ही, मिलता है सर एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।